शब्दावली बुक निकालो। पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 पर्यायवाची सेट 2। मेरे साथ बोलना है। पहला शब्द है पुत्र, अंगज, अपत्य, आत्मज, कुमार, तन्य, तनुज, नंदन, बालक, बेटा, लड़का, लाल, वत्स, सुत। ये पुत्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट शब्द है गंगा, जाह्नवी, त्रिपथगा, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, देवनदी, देवापगा, सुरतरंगिणी, सुरसरी, सुरसरिता, स्वर्ग तरंगिणी, स्वर्गापगा। देखो इसमें ये ध्यान रखो कि जैसे शब्द आपका दिया हुआ है जाह्नवी, जाह्नवी गंगा का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आ रही थी तो उस समय जाह्नु ऋषि के आश्रम के बाहर से गुजरी, तो उन्होंने, कहते हैं हरिद्वार में आप देखते होंगे गंगा का वेग बहुत तेज होता है, तो उनका वेग तेज होने के कारण जाह्नु ऋषि के आश्रम में तहलका मच गया और अस्त व्यस्त हो गई चीज़ें, तो उन्होंने उठा के गंगा को पी लिया। अब जाह्नु ऋषि ने गंगा को पी लिया, भगीरथ ने पीछे मुड़ के देखा कहाँ रह गई गंगा, तो उन्हें पता चला कि जाह्नु ऋषि ने इनको पी लिया है, तो उनसे अन्य विनय की और बताया कि अपने पूर्वजों के उत्थार के लिए गंगा को लेके जा रहे हैं, तब जाके उन्होंने गंगा को छोड़ा। तो वहाँ से जब वो गुजरती हैं तो उस जगह पे इनका नाम जाह्नवी पड़ गया जाह्नु ऋषि के कारण। अब ये पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, पर हमें इतना ज़रूर पता चल गया कि अब हमें याद रहेगा कि गंगा का पर्यायवाची जाह्नवी है। अगला इसमें शब्द जैसे आता है विष्णुपदी, तो विष्णु जी के चरणों में पाई जाती हैं गंगा, यानी पृथ्वी लोक पे आने से पहले विष्णु के चरणों में चली गई थी। कहा जाता है कि गंगा कभी आना नहीं चाहती थी पृथ्वी पर, और जब उन्हें पता चला कि मुझे पृथ्वी लोक जाने के लिए तपस्या शुरू हो गई है, तो विष्णु के चरणों में जाके छिप गई थी, तो इसलिए इनका नाम विष्णुपदी हो गया। देव नदी देवताओं की नदी है, इसलिए देव नदी कहा गया है। तो गंगा के पर्यायवाची बनाने के लिए हम देव, स्वर्ग और सुर, इनके पर्यायवाची में यदि नदी का पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो वहां पर अरे अजय एक बार छात्रों को बोल दो रिफ्रेश कर लें क्लास को, कल की बातें बोल रहे हैं। तो गंगा का पर्यायवाची बन जाता है अगर हम देवता और स्वर्ग के पर्यायवाची में नदी का पर्यायवाची बना देते हैं। अगला शब्द है नदी, मेरे साथ बोलो सरिता, आपगा, कल्लोनिनी, तटनी, तटी, तरंगिणी, दरिया, निम्नगा, पश्विनी, प्रवाहिनी, शैवालिनी, सलिला। अगला शब्द है कामदेव, अनंग, कंदर्प, मदन, मनोज, मनमत, मार, इस्मर, काम, मनसिज, कुसुमबाण, कुसुमसर, पुष्पधनवा, पुष्पसर, मीनकेतन, मकरध्वज, जसकेतु, रतिकांत, रतिनाथ, रतिपति, बसंत सखा, बसंत बंधु। अब देखो कितने सारे नाम हैं कामदेव के। कामदेव आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। पर्यायवाची तो पूछा जाता ही जाता है, साथ ही साथ जब आप अलंकार करते हैं, रस करते हैं, उनमें जो पंक्तियां होती हैं तो उन पंक्तियों में आपका पूछा जाता है। इधर आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे। तो उन पंक्तियों में आपका कामदेव का कहीं पर भी नाम आ जाता है। तो अगर आपको कामदेव का पर्यायवाची नहीं पता होगा, इसका अर्थ नहीं पता होगा, तो वाक्य का अर्थ निकालना मुश्किल हो जाता है। तो याद रखिए कि कुसुम मतलब पुष्प, ठीक है। पुष्प के पर्यायवाची में अगर हम बाण का पर्यायवाची मिला देते हैं
तो कामदेव का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे कुसुम बाण आया है, तो यानी जिसके पास फूलों के बाण हैं, तो कामदेव के पास फूलों के बाण होते हैं, इसलिए उनको नाम दिया गया है। इसके बाद अगर मछली के पर्यायवाची में ध्वज का पर्यायवाची अगर मिला देते हैं तो कामदेव के पर्यायवाची बन जाते हैं। यानी जिसके पास, जिसके ध्वज पर मछली का निशान है, वो कौन है? कामदेव है। कामदेव का पर्यायवाची बनाने के लिए यदि रति के पर्यायवाची में पति का पर्यायवाची मिला दिया जाता है, तो रति कौन है? कामदेव की पत्नी। ठीक है, तो रति के पर्यायवाची में पति का पर्यायवाची मिला देने से इनके पर्यायवाची बन जाते हैं। इसके साथ साथ यदि बसंत, बसंत ऋतु के पर्यायवाची में यदि मित्र का पर्यायवाची मिला देते हैं तो भी कामदेव का पर्यायवाची बन जाता है, कि जो बसंत का मित्र है, बसंत का सखा है, उसे कामदेव कहते हैं। तो इतने तरीके से कामदेव के पर्यायवाची बनते हैं। तो कुछ शब्द तो आपके सामने दिए हुए हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो आपके सामने नहीं भी होंगे, लेकिन इस जोड़े से आप पहचान लेंगे। अगला शब्द है फूल। बोलो, पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, मंजरी, पुरोहित, गुल, लतांत। नेक्स्ट शब्द है बाण। धनवा, सर, तोमर, विशिख, इशु, शायक। नेक्स्ट शब्द मछली। मीन, मकर, जस, मत्स्य, जलतोरी, सफरी। अब देखो, सफरी दो तरह से लिखा हुआ है, एक में तालु श और दंत स। ठीक है, दोनों तरीके से लिखा जाता है, दोनों तरीके से आ जाता है, सही माना गया भी। तो अब जैसे जिसमें तालु सा आ गया, इसे आप रखेंगे कि ये हमारा संस्कृत भाषा में होता है, और हिंदी भाषा में दंत सा। जब भी कभी कोई ऐसा शब्द आए, जैसे कौशल्या शब्द है, तो कौशल्या शब्द में आप दंत सा भी लगाते हैं, तालु सा भी लगाते हैं। तो दंत सा जहाँ होगा वो होगा संस्कृत के शब्द, और जहाँ पर दंत सा जहाँ होगा वो होगा हिंदी का शब्द, और जहाँ तालु सा होगा वो होगा संस्कृत का। ठीक है, तो इस तरह से कैलाश शब्द में भी आता है। तो इनमें दोनों अंतर दोनों तरीके से लिख सकते हो आप, पर अगर जब कभी आपका तत्सम तद्भव में आ जाए तो इस तरह से उसमें अंतर करना है। ठीक है, तो ये शब्द याद रखिएगा पर्यायवाची के। हम लोगों ने कल विलोम शब्द किया था, तो बताओ मुझको कि अनुरक्त का विलोम क्या है? विरक्त। प्रच्छन्न का विलोम? प्रतिपन्न। उपेक्षा का विलोम? उपचय का विलोम? क्षर का विलोम? अक्षर या अक्षर? गंभीर का विलोम? गंभीर का विलोम पूछ रही हूँ, तो पर्यायवाची थोड़ी पूछ रही हूँ। मुखर मतलब वाचाल। मिथ्या, अकथित, अकथित। अरे मैंने ही अकथित बोला था, अकथित बोलोगे उल्टा, कथित। ठीक है, पेज नंबर 81, 81, पेज नंबर 81, शब्दावली में ही ऑफलाइन व ऑनलाइन वाले छात्र ध्यान दें, बोर्ड पे शब्दावली नहीं कराई जाएगी। शब्दावली के लिए आपके पास ये बुक होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये इतना छोटा है कि बोर्ड पे भी नहीं दिखाई देगा, फिर आप कहोगे कि क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। तो कम से कम यहाँ पे जो मैं बोलूंगी वो अपने पास लिखोगे तो सही आप। ठीक है, अभ्यास सेट 1 देखो, इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम पढ़ने वाले हैं, एक एक करके याद करेंगे इसके बारे में। यहाँ पर मैं शब्द बोलूंगी, वाक्यांश, आपको उसका शब्द बोलना है कि किसे कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो, एक शब्द में अकिंचन कहते हैं उसे। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। जो कहने योग्य हो, कथनीय। जो देखने के योग्य हो, दर्शनीय। जो पृथ्वी से संबंध है, भूगोलीय। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। हवन में जलाने वाली लकड़ी, समिधा। सुना होगा आपने जब पंडित जी कहते हैं समिधा लाओ, तो जो संविधा नहीं होता, समिधा होता है। ठीक है, जो आम की लकड़ी होती है,
दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिगंबर, समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि, वन में लगने वाली आग दावाग्नि। देखो ध्यान ऐसे रखना, दाव जो है वो वन का पर्यायवाची होता है, ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। पेट में लगने वाली आग जठराग्नि, विरह से उत्पन्न अग्नि विरहाग्नि, जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत, जो हमेशा नहीं रहने वाला है नश्वर, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय, उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्य पश्या, पश्या मतलब होता है देखना, ठीक है, और जो सूर्य न देख पाए, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त। ये वाला ही शब्द था जो पोल कराया जिसमें बहुत गलतियां आई बच्चों की। आगे दिया हुआ है पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति वसीहत। एक शब्द और आता है, किसी व्यक्ति की कोई वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हुई, गिरवी नहीं धरोहर, ठीक है। अब देखो तीन शब्द आ गए, रिक्त, धरोहर और वसीयत, तीनों में क्या अंतर होता है। रिक्त जैसे उत्तराधिकार की बात हम करते हैं, उत्तराधिकार में आप मान लो कि जैसे मैं हूं, मैं इस समय हिंदी पढ़ा रही हूं, तो जरूरी नहीं है कि मेरा बच्चा भी उतना ही इंटरेस्ट ले हिंदी को पढ़ाने में और सारी चीजों में। हो सकता है कि मेरे पास कोई ऐसा शिष्य मुझे मिल जाए कि जो उस तरह से इंटरेस्ट ले, तो मैं जो अपनी संपत्ति को या मैं अपनी इस कोचिंग को बाद में उसके नाम कर दूं, अपने बच्चे के नाम ना करके। तो अगर बच्चे के नाम होगा तो वो तो विरासत में होगी। अब ये क्या होगा, उत्तराधिकार में, यानी इस चीज का उत्तराधिकारी कौन है, तो जो इसका उत्तराधिकारी है उसको दिया गया है, यानी जो योग्य है उस चीज के उसको वो चीज दी जाती है, वो होता है रिक्त। तो उत्तराधिकार में हम ऐसे देते हैं। पहले कभी कभी राज्य भी, राज्य को भी उत्तराधिकारी ही कहा जाता था कि राज्य पाने वाला उत्तराधिकारी होगा, यानी जो उसके योग्य होगा उसको मिला जाएगा, ना कि ऐसे कि राजा का बेटा राजा है तो, मतलब राजा का बेटा है तो उसी को मिल जाएगा, ये नहीं होता। अब जो वसीयत है, वसीयत होती है कि हमें पूर्वजों से, हमारे पूर्वज हैं उन्होंने जो संपत्ति बनाई है उस पे हमारा पूरा हक होता है। और धरोहर क्या होती है, धरोहर जैसे आपने कोई अपनी प्रिय वस्तु किसी के पास रखी हुई है तो वो व्यक्ति कहेगा कि मेरे पास ये किसी की धरोहर है, ठीक है, तो ये अंतर होता है। उसके बदले कुछ लिया नहीं जाता तो वो गिरवी रखी जाएगी, ठीक, ऐसे जैसे बेटियों को बोलते हैं कि ये किसी की धरोहर है, तो ये बात अलग है कि वो जिसके पास जाएगी उसकी प्रिय नहीं है, वो प्रिय उसी की है जिसके पास है, मतलब जिसके, जिसने जन्म दिया है, वो प्रिय पिता की ही होती है, पति की प्रिय नहीं होती है। पति के लिए तो एक काम करने वाली मशीन होती है और वो आती है, पर लेकिन ऐसा माना जाता है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताओ, 80% की 20%, 80%, अच्छा चलो अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई कि पहली बार मेरे बैच में किसी ने समर्थन कहा किया कि हाँ लड़की जो है वो काम करने वाली मशीन नहीं है, तो अच्छा है, नहीं होती है। वैसे हम शादी तो इसी उद्देश्य से करते हैं, मम्मी आजकल बूढ़ी हो गई है बेटा शादी कर ले, मम्मी बूढ़ी हो गई है इससे शादी करने का क्या लेना देना, क्योंकि बहू आएगी तो काम करेगी, है ना, वही तो होता है ना। चलो अच्छी आप समझ में आया है, अच्छी हाँ चलो खैर, विरासत, जैसे विरासत भी, अब जो आपने वसीयत को बोला है ना, तो विरासत का मतलब आप वो सामान पूरी फैला हुआ जो है उस चीज के लिए आप यूज कर रहे हैं, ठीक है।
बात वही है, वसीयत, विरासत और पैतृक, ये सब एक ही चीज के लिए प्रयोग किया गया है। अब शब्द थोड़ा थोड़ा बदल जाता है, जैसे आप कभी उसे संज्ञा के रूप में यूज कर रहे हैं, कभी उसे विशेषण के रूप में यूज कर रहे हैं, तो उससे शब्दों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला शब्द है हमारा जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत, जिसका दमन किया गया हो, दमित, अतिथि सत्कार की भावना, आतिथ्य, अतिथि सत्कार करने वाला, आतिथे, अनेक युगों से चला आ रहा आने वाला, सनातन, जिसे ईश्वर में विश्वास है, आस्तिक, और जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, नास्तिक। नास्तिक का मतलब क्या होता है? जो ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिक बेचारा ये भी नहीं जानता कि वो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है ये कह के कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, क्योंकि वो स्वीकार कर लेता है। जैसे कहें हम तुमको नहीं मानते कुछ भी, हम हैं तो सही सामने, नहीं मानते वो अलग बात है। कहता है ना, आस्तिक का मतलब जो ईश्वर में विश्वास रखता है, नास्तिक का मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। ये थोड़ी ना है कि ईश्वर नहीं हो ना, बात अलग है। अब मोदी जी में सब थोड़ी ना विश्वास रखते हैं, हाँ तो क्या मोदी जी है नहीं? शांत हो जाओ। हम लोगों ने कल कहां तक पढ़ा था? ऊष्म संघर्षी हमने पढ़ लिया था। अब संयुक्त व्यंजन हमें करना है। चलो लिखो, इसमें संयुक्त व्यंजन में लिखो संयुक्त व्यंजन की परिभाषा। चलो ध्यान दो। देखो ऑनलाइन में हमारे छात्र ने कमेंट करी है, मैम आप ऐसे नहीं बोल सकते, अब बात किसी के दिल पे लग गई। तो ये भी मुझे अच्छा लगा कि दिल पे बात लगी, लगनी चाहिए, इसीलिए तो बोली गई है ना। तो खैर, पर ये कहते हैं एक बात ध्यान रखिएगा मेरे बारे में, मैं वही बोलती हूँ जो देखती हूँ। तुम ज्यादा मत बोला करो, शांत रहा करो, ठीक है? ठीक है, डायलॉग का ना एकदम से अपना अंदर रखो। मैं वही बोलती हूँ जो कहते हैं ना, अनुभव बोलता है, जो मैंने अनुभव किया है। मैं बिना अनुभव की बातें कभी नहीं बोलती जो मैंने अनुभव नहीं किया होगा। तो इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा, मैं जब भी कुछ भी बोलती हूँ तो मैंने अनुभव किया होता है तब बोलती हूँ। और ये एक ऐसे यदा कदा मुद्दे में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जिस आप पदवी पे आके यहाँ कहें कि जिस टाइम में आके आप पढ़ाई कर रहे हो, इस टाइम में आप लोगों के सामने इस तरह के मुद्दे आने चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। अगर कोई ऐसा कोर्स स्टार्ट कर दे कि भविष्य जीवन के लिए, भावी जीवन के लिए हमें नियम कुछ सीखने हैं, तो कोई नहीं जाएगा वहाँ, टाइम वेस्ट करना है, क्या करना है। पर जीवन में संघर्ष हर कोई कर रहा होता है। हम इस वाली बात पर कभी बात नहीं करते कि अपना आने वाला जीवन कैसे हमें सफल बनाना है, कहीं हमारे अंदर कोई कमियां तो नहीं है। कभी आप ऐसे ट्रेनिंग लेते हो कि कैसे आपको अपना जीवन जीना है? आज तक के टाइम पे अभी तक किसी ने आपको ट्रेनिंग दी कैसे जीना है? माँ बाप ने भी नहीं। होती तो है, मैं कह रही हूँ ली किसी ने ट्रेनिंग, तो अच्छा आपने लिया है, तो चलो तभी तो वो आपके स्वभाव में दिखता है। तो बात यही चीज होती है कि हमें सीखना चाहिए। खैर चलो, हम बात करेंगे इस मुद्दे पर आगे भी कभी। संयुक्त व्यंजन के अंदर लिखिए जल्दी फटाफट, जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है, जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है, अरे बातें मत करो, शांत हो जाओ।
जो व्यंजन दो व्यंजन से मिलकर बना होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। पूर्ण विराम लगा दीजिए। हिंदी वर्णमाला में ये चार होते हैं, छ, त्र, श्र और ग। व्यंजन पढ़ रहे हैं तो नीचे हल लगाया है हमने, ये ध्यान दीजिएगा। ये चारों वर्ण जो हमारे बने हैं ये अलग अलग व्यंजन से बने हैं। ये क और मूर्धा श के मेल से बना है, ये त और र के मेल से बना है। कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, ये तालु श और र के मेल से बना है, और ये ज और य के मेल से बना है। क्या लिखता है? क के बाद छ, जैसे अरे तो वही तो बता रही हूँ ना, बैठ जाओ। मैंने वही कहा है कि कोई भी डाउट दिमाग में आए तो रफ कॉपी पर लिखो, क्योंकि हर एक चीज़ में हम क्रम से चलेंगे। अब आपने एक कदम आगे बढ़ के बोल दिया, पहले लिख लो। देखो, ध्यान दो यहाँ पर। अभी आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये चार वर्ण हैं आपके, चार वर्ण। ये हमारा क और मूर्धा ष से मिलकर बना है, ये त और र से मिलकर बना है, ये ज और य से मिलकर बना है, ये तालु ष और र से मिलकर बना है, ठीक है। अब इनमें आपने एक प्रश्न देखा होगा, आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि ये छह वर्ण है, शब्दकोश में इसका स्थान निम्न में से किस वर्ण के बाद आता है, ये प्रश्न आता है परीक्षा में। और आपको उत्तर मिलता है कि पहले ऑप्शन में होगा ह के बाद आता है या क के बाद आता है, इस तरह से दिया होता है। और आपने इसका उत्तर आज तक केवल रटा है कि क के बाद आता है, रटा है ना। कभी ये सोचा है कि जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो वर्णमाला में तो ह के बाद ही हमें देखने को मिलता है, ऊष्म व्यंजन ह के बाद हमारा कहाँ आता है, छ आता है। तो ये हमारा यहाँ कैसे क कैसे आ गया, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ये क और श से मिलकर बना है, इसलिए शब्दकोश में इसका स्थान जब आधा क जहाँ समाप्त हो जाता है उसके बाद से आपका ये छ शुरू होता है, ठीक है। तो अभी तो एक प्रश्न आया, अब यही प्रश्न इतनी बार गलत होता रहता है, जब भी ये प्रश्न आता है गलत होता रहता है, तो बार बार यही प्रश्न रिपीट होता रहता है। अगर ये प्रश्न सही होने लगेगा तो वो एग्जामिनर फिर इन तीनों में से कोई सा भी उठा सकता है कि इन तीनों का स्थान कहाँ आता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर त्र के बारे में पूछेगा तो त्र का रूप आपको त के त वाले वर्ण में देखने को मिलेगा, और श्र का पूछेगा तो श वाले वर्ण में देखने को मिलेगा, और अगर ग का पूछेगा तो ज वाली लाइन में ही आपको देखने को मिलेगा, मतलब उसी के अंदर, ठीक है। तो ये तो शब्दकोश में स्थान आपका आता है। अब बात करते हैं इस वर्ण की। एक शब्द लिखा जाता है हमारा श्रृंगार, आप लिखते होंगे शब्द को, तो श्रृंगार इस तरह से लिखा जाएगा या इस तरह से लिखा जाएगा, तो ध्यान रखना ये कभी नहीं होगा, हमेशा यही होगा। क्यों होगा इस तरह से? तो ये जो हमारा श्र है ये स, तालु श और र से मिलकर बना। अगर हम इस वाले वर्ण को, इस वाले युग्म को देखें तो ये इस तरह से होगा, श, फिर ये र और इसके बाद ये री। और याद रखिएगा र के बाद री का प्रयोग कभी नहीं होता है, र के बाद री का प्रयोग कभी नहीं होता है,
ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे वर्तनी में, वहाँ हम इस चीज़ को लिखेंगे कि कहाँ पर कौन सा व्यंजन है जिस व्यंजन में री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है, तो वो व्यंजन होता है र। तो जब इसका प्रयोग होता ही नहीं है तो फिर ये स्थिति कैसे हो सकती है, ये कभी नहीं हो सकती। और याद रखिए, ये वाली स्थिति किसी भी शब्द में नहीं होती, श्रृंगार तो दूर की बात, ऐसी कोई स्थिति होती ही नहीं है। आपकी दो तरह की स्थिति होती है बस, या तो ये होती है इस तरह से, या फिर ये होती है इस तरह से, इसके अलावा और कोई स्थिति होती ही नहीं। तो जो वो लिखा जाता है, जहाँ पे भी आप उसको देखें उसको तुरंत गलत करें, लिखने वालों को टोकें, जिस किताब में लिखा हुआ है उसको कॉल उठा के जरा कहें तो सही, फोन उठा के बोले कि देखो यहाँ पे आपने गलत लिख रहा है। इसमें हंसने वाली बात नहीं है, हमारी हिंदी को बहुत ज़्यादा विकृत किया गया है, हिंदी को ऐसा जानबूझ के बनाया गया है कि हिंदी टफ लगे, और लोग जब टफ लगे तो लोग उसको छोड़ दें, भूल जाएं। संस्कृत से हम हिंदी में आ गए इतने सरल, और फिर भी हमें अपनी भाषा इतनी कठिन लग रही है कि हमें समझा ना जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। हम अंग्रेजी भाषा इतनी सरल तो नहीं है, अंग्रेजी भाषा आप खुद ही बताइए, जो भाषा जो उच्चारित होती है वही लिखी जाती है, जो बोली जा रही है वही लिखी जा रही है, और जो लिखी जा रही है वही बोली जा रही है। इसके बावजूद भी वो हमें इतनी टफ लगती है कि जिस भाषा वो भाषा हम सीखने चल देते हैं, जिस भाषा में कभी ए साइलेंट, कभी बी साइलेंट, कभी टी साइलेंट, कभी डी साइलेंट, कभी पी साइलेंट, कहीं पर जो सी है उसको स बोला जा रहा है, कहीं पे सी को क बोला जा रहा है, वहाँ अब हम उसके नियमों को कैसे याद कर लेते हैं। वो तो हम याद कर लेते हैं, वहाँ तो हमारा दिमाग चल जाता है रटने के लिए, लेकिन जो हमारी भाषा बिल्कुल जो बोली जाती है वही लिखी जाती है, और उसी को हम नहीं याद कर सकते, हम नहीं सीख सकते। तो ये गलती किसकी है, हमारी गलती है, हमारी मानसिकता की है, ऐसे हमने सोच लिया है, ऐसे जान लिया है। ध्यान रखिए, ह्यूमन जो मस्तिष्क है बहुत ताकतवर होता है, आप इसको जो एहसास करा देंगे ये उसको सत्य मान लेता है। अगर आप अभी, मैं आप लोगों से बोलूं कि आपको एक घंटे बस एक ही मंत्र जाप करना है कि मुझे फीवर है, मुझे फीवर है, मुझे बुखार हो गया है, मेरा बदन जल रहा है, इतना रटना शुरू कर दो, तो आपको पता चलेगा कि एक घंटे में आप अपने टेम्परेचर को चेक करके देख लेना, आपको फीवर हो जाएगा, क्योंकि आपके माइंड को ये पता चलेगा कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, ऐसे ही है, वास्तव में ही है। थोड़ा महसूस करना शुरू करो, आपको पता चल जाएगा कि आप बीमार हैं। और अगर आप बीमार हैं तो आप अपने मन को कहो नहीं मैं सही हूँ, स्वस्थ हूँ, और उठ के बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, मैं एकदम हिलडुल सकता हूँ, तो थोड़ी देर के लिए ही सही आपके शरीर में शक्ति का संचार हो जाता है। तो ये मन की ताकत है, आपके दिमाग की, तो इसीलिए इस ताकत का इस्तेमाल करो अपनी हिंदी को सीखने और समझने के लिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो अब के बाद इस चीज को जब भी कभी श्रृंगार लिखा होगा आप गलती तो नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा दिया हुआ है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन हमारा क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन जिनके उच्चारण में जीव पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम ट वर्ग को बोलते हैं। आगे दिया है, ट वर्ग को उत्क्षिप्त वर्ग भी कहा जाता है। जिस चीज को मैं लाइन कर रही हूँ उस चीज को आपको भी रेखांकित करना है अपने पास, ठीक है, बोल्ड करके रखना, क्योंकि प्रश्न आपका वहां से बन सकता है, आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि उत्क्षिप्त वर्ग किसे कहते हैं, या किसमें से, क च ट त प में से। तो ट वर्ग जो है वो हमारा उत्क्षिप्त वर्ग भी कहलाता है। ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन है ये ने हम द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, दूसरा नाम है, और ये दो होते हैं, ड और ढ। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है और वर्ग भी मूर्धन्य कहलाता है। नीचे नोट दिया हुआ है एक, ये हिंदी के नवीन विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत भाषा में नहीं है। इस बात का मतलब समझते हो क्या है, क्या मतलब है इस बात का, संस्कृत से नहीं है। देखो भाई, जो सामने दिख रहा है, आप लोगों की आदत क्या है कि आप वही देखते हैं जो आपको सामने दिख रहा है, वो नहीं देखते जो इसके पीछे का भाव है। इसके पीछे का भाव क्या है, अर्थात
इनका प्रयोग आपको केवल हिंदी शब्दों में देखने को मिलेगा, संस्कृत शब्दों में आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। समझ गए? इसका कहने का मतलब ये है। तो जैसे अब आप ये पूछेंगे तो इनका प्रयोग कब कहाँ कैसे होगा, तो इनको विस्तार से हम समझेंगे आगे, अभी बस समझ लो। जब हम बात करते हैं हमारे सामने आ जाता है एक बिना बिंदी वाला और एक आ गया बिंदी वाला। तो ये बिना बिंदी वाला जो संस्कृत में लगता रहा है और बिंदी वाला ये हिंदी में आया है नवनिर्मित। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी शब्द की शुरुआत होती है, जैसे आपने लिखा डमरू, तो शब्द की शुरुआत है तो इसमें आपने बिना बिंदी वाले का प्रयोग करना है हमेशा, ठीक है। और जैसे हमने शब्द लिखा सड़क, तो पहला वर्ण छोड़कर यदि ये दूसरे तीसरे चौथे पांचवे किसी भी स्थान पर आता है तो वहां पर क्या लगेगा, ये बिंदी वाला लगेगा। लेकिन कहां पर? केवल और केवल हिंदी शब्दों में। जैसे शब्द है निडर, इसमें बिंदी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि निडर शब्द संस्कृत शब्द है। बात समझ में आई? अब आप कहोगे कि मैम ये तो हमें समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कैसे जानेंगे कि संस्कृत शब्द है कैसे नहीं। तो बस आपको शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान देना है, फोकस करना है। और ज़्यादा सुविधा के लिए समझ लीजिए कि दो चार शब्द ऐसे होते हैं सड़क जैसे, अन्यथा ये जब भी आपको देखने को मिलेगा ये आपको क्रिया के अंदर मिलेगा। जो क्रिया वाले शब्द होते हैं उनके अंदर आपको इसे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको लिखना है तो बाद में लिखेंगे हम इसका प्रयोग आगे वर्तनी वाले हिस्से में, दोबारा से पढ़ेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। अब आते हैं हम वर्णों के वर्गीकरण पर। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे व्यंजन के बारे में, अब व्यंजन का भी वर्गीकरण कर लेते हैं। जैसे हमने किया था स्वर का वर्गीकरण, हम व्यंजन का वर्गीकरण सबसे पहले घोषित्व के आधार पर करते हैं। घोषित्व का मतलब क्या है? घोष का अर्थ है स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। स्वर यंत्र का मतलब क्या है? हमारा श्वसन तंत्र, ठीक है, जिससे हम सांस लेते हैं। तो जिस तंत्र से हम सांस लेते हैं उसी का प्रयोग हम बोलने में करते हैं, तो उसी को हम स्वर यंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो गले में ध्वनि का कंपन होता है, किसी में बहुत कम कंपन होता है न के बराबर, और किसी में बहुत ज़्यादा कंपन होता है। तो उसके आधार पर हमने व्यंजन को दो भागों में बांटा है, अघोष और सघोष। तो सबसे पहले अघोष व्यंजन के अंदर एक लाइन लिखिए और फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, हाँ जी, अघोष व्यंजन के अंदर आपको लिखना है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं होता, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन न, आधा न और पूरा न रहेगा, कंपन, ठीक है, कंपन उत्पन्न नहीं होता, कॉमा, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन कहते हैं, पूर्ण विराम लगा के आगे लिखिए, जैसे हर वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन तालु श, मूर्धा श, दंत श,
दूसरा लिखिए आगे सघोष, जहां पर आपका दिया हुआ है सघोष में लिखिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है कौमा, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के ये घोष व्यंजन भी कहलाते हैं। ये घोष व्यंजन भी कहलाते हैं। पूर्ण विराम करके लिखिए, जैसे हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, हाँ, एक तरीका तो आपका ये है इस तरह से कि आपको ऐसे समझ लेना है हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन और तीनों श अघोष व्यंजन हो गए, दूसरा हो गया सघोष, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और अंतस्थ व्यंजन और ह। तो ये तरीका आप कैसे इसको याद रख सकते हैं, आपको बस वर्णमाला याद रखनी है केवल और केवल, और उसके बाद ये याद रखना है कि पहला दूसरा तीसरा। अच्छा, ईमानदारी से बताओ आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आई कि ये पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या है। अच्छा ये बताइए, आज पहले दिन की क्लास है या व्यंजन पढ़ाई नहीं? चलो कन्फ्यूजन प्रैक्टिकल से अगर करोगे तो कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रखना है ना। नहीं मैं बताऊंगी कैसे, आप ऐसे में याद कराती ही नहीं हूं, मैंने आपको कहा कि प्रैक्टिकल करके याद करना है, तो तरीके मेरे पास तीन चार हैं। पहले ये तो समझ लें कि पहले दूसरे का मतलब क्या है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, कई सारे छात्र हमारे ऐसे हैं जो पहले हमारी क्लास ले चुके हैं, उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो जो पहली बार आए हैं, जिन्होंने वर्णमाला नहीं पढ़ी है तो समझ में आता है, लेकिन जो पहले से पढ़ रहे हैं वो अगर हाथ उठाएं कि हमें समझ में नहीं आया तो फिर मैडम का गुस्सा ना फिर रौद्र रस में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि जब क्लास में पढ़ा रही थी तब क्या कर रहे थे, जिस समय समझा रही थी, है ना। तो इसीलिए कहती हूँ कि ध्यान अपना इधर रखो। देखो ध्यान दो, हम लोगों ने कल की क्लास में वर्गीय व्यंजन पढ़ा था। वर्गीय व्यंजन में हमने क से लेकर म तक इनको स्पर्श व्यंजन के अंदर पढ़ा था और इसी को वर्गीय व्यंजन कहा था। और हमने इसमें जाना था कि ये स्पर्श व्यंजन हमारे पांच पांच के ग्रुप में बटे होते हैं। अगर हम इधर से देखें तो ये है क वर्ग, तो ये क वर्ग में क ख ग घ ड ये हमारे पांच जो हैं ये क्या कहलाएंगे, क वर्ग के कहलाएंगे। और अगर कोई आपसे कहे कि ट वर्ग, तो ट वर्ग का मतलब होगा ट ठ ड ढ ड, ये पांच वर्ण की बात कर रहे हैं हम। लेकिन अगर आपसे किसी ने कहा कि प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण जैसे बोल दी तो ये पांचों प्रथम वर्ण यानी पहला, अपने अपने वर्ग का पहला वर्ण। और जब दूसरे की बात कर दी तो ये पांचों के अपने अपने वर्ग के
दूसरे वर्ण, और जब तीसरे की बात की तो ये पांचों, चौथे में ये पांचों और पांचवे में ये पांचों। बात समझ में आ गई? तो अब जब आपसे कहा कि सघोष व्यंजन की बात हुई है कि सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन, तो अघोष व्यंजन में हमने लिखा कि हर वर्ग का पहला और दूसरा, तो हमें समझ में आता है कि ये 10 आ गए। ठीक है, अब आप देखेंगे किताबों में एक तरफ से लिखा होता है क ख च छ ट ठ त थ प फ, ऐसे याद करना भी मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको लंबा 10 याद न करा के आपको दो ही चीज याद रखनी है, हर वर्ग का पहला और दूसरा, ये तो आपको पता ही है कि कौन कौन से होता है। और उसके बाद हमने याद किया कि तीनों छ, ये हमारा क्या है, अघोष है, इससे अघोष व्यंजन हम कहते हैं। और सघोष व्यंजन में हमने ये कहा कि सघोष व्यंजन में क्या होगा, तीसरा चौथा पांचवा, तो ये 15 हो गए हमारे। अब इसके बाद जो बच गए, याद रखना वर्गीकरण हम 33 में करते हैं, जिस प्रकार से हम स्वर का वर्गीकरण 11 में करते हैं, तो ऐसे ही जो व्यंजन का वर्गीकरण देखते हैं वो 33 में ही देखते हैं। तो अब जो बच गया दूसरा, वो क्या बच गया, एक तो अंतस्थ व्यंजन बच गया पूरा और एक ह बच गया, तो ये आ गया। ठीक है, तो क से लेकर ह तक वर्गीकरण हम इसमें देख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैम ये किस में जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा ये युग्म से बने हुए हैं, इसके अंदर हमें पता है कि ये जो छ है इसमें आधा क और आधा श है, तो आधा क हमारा ये रहा, तो ये हमारे किस में, अघोष के अंदर है, और जो ये श आया ये भी हमारा किस में रहा, अघोष में, तो इसका मतलब ये हमारा अघोष में ही रहेगा। समझ गए, याद है ना जब हमने स्वर वाला किया था। तो चलो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम ऐसे याद करना तो बहुत मुश्किल होगा, तो देखो अब इसको सरल से याद कर लो। हमने रखा है अघोष के अंदर, जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, अघोष के अंदर क्या है, हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन और तीनों श। ठीक है, हमने इसकी परिभाषा क्या पढ़ी, हमने परिभाषा पढ़ी कि वे जब जिनके उच्चारण में अगर हमारे स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, अघोष, और जिसमें कंपन होता है उसको क्या कहते हैं, सघोष। तो देखो प्रैक्टिकल करो, अब ऐसे मत याद करो, यहाँ पे ये चीज है, हमने उच्चारण इसमें देख भी लिया कि पहला और दूसरा तो हमारा अघोष है और तीसरा चौथा पांचवा क्या है, सघोष है। तो आपको ये जो आपका कंठ है, जो यहाँ पे गले में आगे ये जो उभरा हुआ होता है, इस पे आपको हल्की सी उंगली रखनी है, ऐसे पकड़ना है इसको हल्के हाथ से, ऐसे नहीं कि बिल्कुल गला दब जाए, इतने हल्के हाथ से कि हवा भी आर पार हो जाए। ठीक है, और इसके बाद आपको उच्चारण करना है क ख ग घ ण। जब आप बोलते हैं क ख तो आपको कंपन अपने गले में महसूस होता है, और जब आप बोलते हैं ग घ ण तो कंपन आपकी उंगली पर पहुंच जाता है। कहने का मतलब है कि आपका कंपन बढ़ जाता है, तो कंपन जिसमें बढ़ा तो वही हमारा क्या है, सघोष है, और जिसमें कंपन अंदर ही था तो वो हमारा अघोष है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल अगर आप ये कर लेंगे, समझ गए, तो याद रहेगा क्लास में अगर आ जाए तो क ख ग घ ण बस ऐसे ही कर लेना। फिर भी आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे, अरे मैम मुझे तो कुछ ही समझ में नहीं आया, मेरे तो पांचों में ही कंपन हो रहा है। तो ऐसे छात्रों के लिए एक कोड वर्ड है, कोड वर्ड लिख लो, याद रखने वाली विधि। ये पहला, इसको हम ये लिख सकते हैं पहला, और जो ये दूसरा है इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, और ये तीनों श का मतलब समझ जाना कि तीनों स है, 12 स, और इसके आगे क्या लिख लो, अघोष। इस कोड को याद कर लेना, अघोष 12 स मतलब पहला दूसरा और तीनों स। ठीक है, और सघोष, सघोष में क्या बच गया, तीसरा चौथा पांचवा और अंतस्थ और ह,
तो इसको ये, इसका कोड ये बना लो, सघोस 335 अंतस्थ है, हाँ सॉरी 45, सघोस 345 अंतस्थ है, ठीक है। तो ये कोड, अब आपको ये भी नहीं याद करना कि हम ये कोड किसका याद कर रहे हैं, अघोष और सघोष इसलिए जोड़ा है कि अघोष 1200 और सघोष 345 अंतस्थ है, ठीक है। अब ये जो आपने जहां पर सघोष लिखा है इसके नीचे एक नोट लिख लो, नोट लिखो स्वर वर्ण, स्वर वर्ण सघोष कहलाते हैं, स्वर वर्ण सघोष कहलाते हैं। अब अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे। एक प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्न में से सघोष व्यंजन कौन सा है। ए ऑप्शन है ह, बी ऑप्शन है स्वर, सी ऑप्शन है क, डी ऑप्शन है ए एंड बी। बताइए, ऑनलाइन वाले छात्र बताएं जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है, मैंने नहीं बनाया, और इसका आंसर बताने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, किताबें भी, बहुत सारे लोग भी। क्या आंसर है? डी। आपको बस सावधानी रखनी है, क्योंकि ये ध्यान रखना जल्दबाजी में किया हुआ प्रश्न अक्सर हमारा गलत हो जाता है। हमने अभी अभी पढ़ा है कि स्वर वर्ण हमारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो इस वाली बात को जानने के बाद हमारे बहुत सारे छात्र कहेंगे कि ह भी आ गया सघोष में और स्वर भी आ गए, तो आंसर डी हो जाएगा। ऑनलाइन में हमारे छात्र डी दे रहे हैं, कुछ ए दे रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन वालों के लिए इंतजार कर रहे थे कि बताए जरा क्या कह रहे हैं। सघोष व्यंजन पूछा है, ऑप्शन ए, ठीक है। स्वर जो है हमारा, स्मार्ट बोर्ड अपने आप काम करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा स्वर है, ये हमारा स्वर है, और यहां पूछा क्या है? व्यंजन। अगर इसके स्थान पर वर्ण होता तो आंसर क्या होता? डी। इस बात को समझ लीजिएगा ध्यान, ठीक है। तो प्रश्न जब भी आएगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। कुछ किताबों में जब सघोष, अघोष और अल्पप्राण, महाप्राण की जब हम बात करते हैं, तो हम इसमें जो ये वर्ण हैं जैसे आते हैं, तो हम केवल और केवल व्यंजन की बात कर देते हैं, लेकिन कुछ किताबें जो हैं वो स्वर को भी उसमें उठा लेते हैं। तो जब हम वर्गीकरण कर रहे हैं व्यंजन का, तो उसमें स्वर क्यों आते हैं, है ना, लेकिन लोगों ने रख दिया है, तो हम इसमें ध्यान करते हैं, ठीक है। चलो, अब ये हमें समझ में आ गया। अगला देखो, अगला है हमारा, अब ये हमने घोष के आधार पर पढ़ा, अब इसके बाद हमारा आता है प्राण तत्व के आधार पर। प्राण तत्व मतलब काकल, काकल मतलब कंठ की बात कर रहे हैं। यहाँ प्राण का अर्थ हवा या सांस से है। कहने का मतलब ये है कि जब हम वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, तो वर्ण के उच्चारण में हम कितनी सांस ले रहे हैं, मतलब छोड़ रहे हैं, तो इसके आधार पर हमने जो वर्ण बनाए, वो आपने दो प्रकार के व्यंजन बनाए, अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण व्यंजन में लिखिए, लिखिए जिन व्यंजनों के उच्चारण में
जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, कम हवा निकले, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के लिखिए, जैसे हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवां व्यंजन अंतस्थ व्यंजन, ब्रैकेट में लिख लेना स्वर अनुस्वार। अगला लिखो, महाप्राण में लिखो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे हर वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन ऊष्म व्यंजन ब्रैकेट में लिख लो विसर्ग। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है, ये तो आप सभी लोगों को पता ही है। अब देखो, हमें ऐसे नहीं रटना। मैं आपको हमेशा कहती हूँ, परिभाषा को समझो और परिभाषा को समझकर ही अपने दिमाग में रखो और प्रैक्टिकल कर लो। हमने कहा कि अल्प प्राण व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख से कम हवा निकलती है, और महाप्राण व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख से अधिक हवा निकलती है। तो पहला, तीसरा, पांचवा तो अल्प प्राण हो गया, और दूसरा और चौथा महाप्राण हो गया। तो हम देखते हैं उच्चारण करके, जैसे क ख, तो क की तुलना में ख में ज्यादा हवा निकल रही है। फिर बोलते हैं ग और घ, तो ग की तुलना में घ में ज्यादा हवा निकल रही है, और फिर ड, तो इसमें कम हवा निकल रही है। तो जैसे ही हम बोलते हैं क ख ग घ ड, तो हमें खुद ही पता चल जाता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे, यानी हम उच्चारण करके याद कर सकते हैं। और अगर हमें लगे कि उच्चारण करके याद नहीं होगा तो कोड लिख लो फिर आप इसका, अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा, तो 135 हो जाएगा, और अंतस्थ, तो आप इसको ऐसे याद रखो 135 अंतस्थ। और इसका हो जाएगा महाप्राण
दूसरा और चौथा ऊष्म। महाप्राण 24 ऊष्म। तो आपके पास मैंने कई सारे उदाहरण दिए, आपके पास तीन तरह से मैंने बता दिया। आप चाहें तो बोल के याद कर सकते हैं, इसे कोड से याद कर सकते हैं, तो या फिर जैसे लिखा है रट के याद कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, जो चीज़ आपको अच्छा लगे उस तरह से। अब आपकी परीक्षा में वो कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है, आपसे कह सकता है कि अल्प प्राण की कितनी संख्या है, ये पूछ सकता है। तो अल्प प्राण की उसने संख्या पूछ ली तो आपको काउंट करना पड़ेगा, काउंट करके बतानी पड़ेगी कि कितनी संख्या पूछी है। महाप्राण की पूछ लिया तो आप तुरंत काउंट कर लीजिए। इन सब के पीछे एक ही आधार है, वर्णमाला याद कर लीजिए, इन सब का मतलब समझ लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, किसी को रटने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये बताओ कि कोई इतना मुश्किल लग रहा है कि समझ में नहीं आएगा, आराम से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है हमारा अयोगवाह। अयोगवाह की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों ने इसको पहले भी समझा होगा, मैंने आपको बताया था कि अयोगवाह क्या है। तो यहाँ पे हमें परिभाषा लिख कर दी हुई है अयोगवाह के बारे में कि परंपरा के अनुसार अंग और अ को स्वरों के साथ रखा जाता है, इनका उच्चारण व्यंजनों की भांति अ स्वर के साथ होता है, इसलिए इन्हें स्वर से अलग माना जाता है, किंतु ये व्यंजन के लिए उच्चारण वहन करते हैं, अतः इनमें स्वर तथा व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है, ठीक है। अयोगवाह शब्द में ही छिपी हुई है ये पूरी परिभाषा, अ के योग से बना और व्यंजन के लिए अर्थ वहन करता है, उच्चारण वहन करता है, तो अयोगवाह कहते हैं उसे। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी कि अनुस्वार और विसर्ग हमारे कैसे स्वर में नहीं शामिल होते और फिर ये व्यंजन में भी नहीं आते, तो कैसे इनको हम तीसरी कैटेगरी में अलग रखते हैं। तो हमारी वर्णमाला का हिस्सा तो ये है, वर्णमाला का हिस्सा हैं, वर्ण भी हैं, और वर्ण होने के बाद भी इनको हमने तीसरे वर्ण में नहीं बांटा है अभी तक, किसी ने इसको सही ढंग से इसकी व्याख्या नहीं की हुई है, बस ऐसे ही हमने रखा हुआ है, सस्पेंस में रखा हुआ है। तो अगर सही मायने में देखा जाए, देखो कहीं ना कहीं एक बात मुझे जो लगती है, ये मेरा अपना निजी विचार है, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर व्याकरण जैसे लिखा गया तो व्याकरण को सही ढंग से लिखा, लेकिन उसके बाद जो कुछ लोगों ने व्याकरण को ऐसे ही इधर उधर आधा अधूरा करके छोड़ दिया और एक बात को ना मानना, सब अपनी अपनी चीज़ें कहना, ये कहीं ना कहीं हमारी हिंदी को नीचा गिराने, हिंदी को विलुप्त करने, हिंदी को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से ही किया गया है। क्योंकि जब कहते हैं कि हम अलग अलग चीज़ों में बट जाते हैं तो कोई भी आसानी से हमें नष्ट कर सकता है। आप अंग्रेजी भाषा में देखिए, अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर हैं और 26 लेटर में आप जिस भी किताब को उठाएंगे हर कोई यही कहेगा 26 हैं, इसमें 21 कॉन्सोनेंट और 5 वोवल्स। कोई कुछ नहीं बोलेगा कि किसी ने आज तक 7 वोवल्स बोले हों या उसके बाद 19, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है किसी ने, कहीं कुछ नहीं कहा, सब एक, जिसने एक किताब में जैसा लिखा है सब उसी को बस अपनी अपनी भाषा में चेंज करके लिखते हैं। लेकिन हिंदी भाषा में कोई कहता है 13 स्वर हैं, कोई कहता है 11 स्वर हैं, कोई कहता है 10 स्वर हैं, कोई कहता है मात्रा के आधार पर 11 स्वर हैं, कोई बोलता है मात्रा के आधार पर 10 स्वर हैं, मात्रा के आधार पर 2 स्वर हैं। तो बताइए मात्रा के आधार पर कितने स्वर हैं? अरे 2 स्वर हैं, दीर्घ मात्रा और लघु मात्रा, ठीक है। तो 2 प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग तरीके से हमको बताया गया है हिंदी को लेकर, किसी ने भी सही ढंग से नहीं समझाया। तो अभी तक तो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे अलग ही पढ़ना है, अयोगवाह। इससे प्रश्न आता है, सीधा प्रश्न होता है, निम्न में से अयोगवाह वर्ण कौन सा है। ऑप्शन में आपको अनुस्वार या विसर्ग या तो लिख के दिया होता है इस तरह से, या फिर केवल वर्ण दिया होता है इस तरह से, कोई भी आएगा आपको याद रखना है अयोगवाह के अंदर ये आते हैं। इसके बाद हाँ जी, विसर्ग ये है ना, इसको विसर्ग कहा गया है, इसका नाम, ठीक है, इसको विसर्ग नाम दिया गया, इसे अनुस्वार कहेंगे। ये ध्यान रखो, जब ये बिंदी होती है
इस बिंदी को नाम दिया गया है अनुस्वार, और जब इस विसर्ग को हम इस तरह से इसकी मात्रा में लगाते हैं तो इसको हम विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो ये नाम दिए गए हैं इनको। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा, नवनिर्मित ध्वनियां, विदेश से आगत ध्वनियां या गृहीत ध्वनियां, इन्हें किसे क्या कहते हैं। तो यहां से आपकी परीक्षा में कई तरह के प्रश्न आते हैं। प्रश्न कैसे आएंगे तो आप ध्यान दो, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से अरबी फारसी ध्वनियां बताइए, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से नवनिर्मित ध्वनियां कौन सी हैं ये बताइए, आपसे पूछ सकता है विदेश से आगत ध्वनियां कौन सी हैं, या गृहीत ध्वनियां किन्हें कहा जाता है, ऑप्शन आपका देता रहेगा चेंज। आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से आगत व्यंजन बताइए, या आपसे प्रश्न कर सकता है कि निम्न में से आगत स्वर बताइए। ठीक है, इस तरह से विभिन्न प्रकार के आपके प्रश्न बनेंगे इस पॉइंट से। अब ये क्या है, अच्छा इसमें आपने देखा होगा एक प्रश्न आता है, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा हो या फिर आगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप देखेंगे मार्केट में, तो आपको प्रश्न पूछा रहेगा कि नवनिर्मित ध्वनियां, तो या तो नवनिर्मित ध्वनि के नाम से पूछ लेगा या फिर आगत ध्वनि या विदेश ध्वनि, इस तरह से कह के आपसे पूछेगा। और ऑप्शन में आपको क्या दिया होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, तो इसमें दिया रहेगा ऐसे या तो क ख ऐसे करके, ये होगा ट ठ ऐसे, च छ, या दिया रहेगा ऐसे प आ, ब, इस तरह से करके, तो आंसर होगा आपका ए। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि ऐसे दिया है, आजकल आपको ऐसे मिलेगा, फिर देगा आपको, कहेगा नवनिर्मित ध्वनियां बताओ, और नवनिर्मित ध्वनियों में आपके पास यही रहेगा आंसर, यही दिया रहेगा, यही दे देगा आंसर। अब इसकी जगह क्या क्या लिखा हो सकता है, इसकी जगह लिखा हो सकता है आपका क ख ग ज और फ, ये अगर नुक्ता के साथ है तो आपका ये आंसर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। या इसके अलावा अगर ये लिखा हो तो आपका नवनिर्मित ध्वनि, विदेश से आगत ध्वनि, इसके अंदर ये आंसर आएगा। अब ये क्या है वो समझ लो। अब बच्चे तो क्या करते हैं, आज तक हमारे बच्चे सिर्फ रटते हैं, अरे ऐसे प्रश्न बन गया है ये रट लो। अगर मान लो उसने ये ऑप्शन दिया हुआ था, ये बच्चा रटता रहता है, ये प्रश्न मेरे सामने इतना भेस बदल के आया हुआ है कि एक जगह तो किसी ने लिखा हुआ था ऐसे ही ये ज और फ लिखा हुआ था, तो उसने लिखा क्या होगा, उसने ये लिखा होगा, मतलब प्रश्न वहाँ पे ये होना था, लेकिन ऑनलाइन में गया है तो ये नहीं, अब जो टाइपिस्ट को दिया जा रहा है उसको थोड़ी ना पता है कि इसमें ट्विस्ट क्या है, उसने यही हटा दिया, जल्दी जल्दी टाइप किया, देखा ज और फ लिख रहे हैं, ज और फ लिख दिया, आंसर यही दे दिया। अब बच्चा कह रहा है समझ नहीं आ रहा ये ज और फ अलग से नवनिर्मित कैसे हो गया पूरा। तो ये चीज जब तक आप यही नहीं पढ़ोगे कि नवनिर्मित का मतलब क्या है, तो आपको ये बात समझ में कैसे आएगी कि आखिर नुक्ता जो लग रहा है तब ये नवनिर्मित हो रहा है, नुक्ता हटा दे रहे हैं तब ये नवनिर्मित नहीं हो रहा, क्या चक्कर है। तो अब इसी में इसी चीज को समझो, देखो बात क्या थी, बात ये थी कि जब हमारी भाषा बदल रही थी, संस्कृत से हिंदी आई और हिंदी भाषा में हम सीख रहे थे, धीरे धीरे परिवर्तित कर रहे थे, तो उन दिनों हमारे देश पर मुगलों का आक्रमण हुआ, और जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो मुगलों ने आक्रमण करके यहाँ पे बसना शुरू कर दिया, और जब बसना शुरू किया तो उन्होंने अपनी उर्दू भाषा यहाँ पे सिखानी शुरू कर दी। जब हम किसी के साथ रहते हैं तो हम स्वाभाविक सी बात है कि उसके शब्द हमारे पास आ जाते हैं, तो हमारी हिंदी भाषा इतनी उदार है कि वो किसी के भी शब्दों को बहुत जल्दी ही अपने अंदर स्वीकार कर लेती है। तो हिंदी भाषा ने उर्दू भाषा के बहुत सारे शब्दों को स्वीकार कर लिया, और अरबी फारसी लिपि है, ठीक है, और इसको हम भाषा ही जो उर्दू की लिपि है, जो हाँ उर्दू भाषा है, ये अरबी अरबी फारसी से ही जो यहाँ पे लिख दी गई है वही तो आई है ना,
उर्दू भाषा, अरबी फारसी उर्दू भाषा ही है। जैसे संस्कृत और हिंदी है ना दो भाषा, ऐसे ही अरबी फारसी के परिवार की भाषा उर्दू है। इसमें कोई डाउट है आपको क्या? अरे वही तो मैं बता रही हूं ना कि जैसे हमारी संस्कृत से परिवर्तित होके हिंदी आई, हमारी संस्कृत से हिंदी परिवर्तित हुई तो मुगलों के साथ अरबी फारसी भाषा हमारे देश में आई, और अरबी फारसी भाषा हमारे देश में आके उर्दू भाषा बनी, और उर्दू भाषा के जो शब्द हैं उनको हमने ग्रहण किया। ये बात नहीं समझ में आई? इसमें क्या डाउट है? यही है ना, मैं इतिहास थोड़ी ना आपको पढ़ा रही हूँ, मैं तो एक सेंटेंस में पूरा आपको एक सिचुएशन बता दूंगी ना। अरबी फारसी ध्वनियाँ हमने नाम इसको इसलिए दिया है क्योंकि वो वहां से आई है। जब वो भाषा हमारे देश में आई तो हमारे देश में आने के बाद वो उर्दू भाषा बनी, परिवर्तन उनकी भाषा में भी आया ना, तो यहाँ के लोगों की वजह से, क्योंकि यहाँ के लोगों को सिखाई गई और वो पूरी तरह से नहीं सीख पाए, तो जैसे हम सीखते हैं आधा अधूरा, वैसे ही तो उर्दू भाषा का मतलब इजाद हुई उर्दू भाषा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं, मान लो हमने एक शब्द लिया, ये शब्द क्या है, क्या है ये? जिंदगी है या जिंदगी है, पहला या दूसरा? ये गजल है या गजल है, पहला या दूसरा? ये ख्वाब है या ख्वाब है, पहला या दूसरा? देखो आधे लोग बोल रहे हैं पहला, आधे लोग बोल रहे हैं दूसरा। अब देखो ध्यान दो, एक्चुअली ये शब्द जो उर्दू भाषा में है ये जिंदगी है, उर्दू भाषा में ये गजल है, और उर्दू भाषा में ये ख्वाब है। लेकिन हमने जो अभी लिखा है ये जिंदगी है, ये गजल है, और ये ख्वाब है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारे पास जो ज वर्ण है ये इसका उच्चारण ज है ना कि ज, ठीक है, और हमें किस ध्वनि की जरूरत थी? ज, और हमारी पूरी वर्णमाला में ज की ध्वनि नहीं है। उसी तरह से ग या ज जैसे हमारा आया इसमें ध्वनि, और उसी तरह से हमारे पास ख ध्वनि है, लेकिन जरूरत क्या थी? ख की। थोड़ा सा अंतर है ये झनकार के साथ और हमारी बिना झनकार के साथ, जैसे हमने अभी पढ़ी अल्पप्राण महाप्राण इसमें, तो जब इसके उच्चारण में इस तरह की गलती होने लगी तो हमारे विद्वानों ने कहा कि जब हमें इसको देवनागरी में लिखना है, यानी ये शब्द जो था, ये जो जिंदगी गजल ये ख्वाब, ये उर्दू भाषा के शब्द हैं, तो जब इनको हमें देवनागरी में लिखना था तो देवनागरी में इनका सही उच्चारण नहीं आ रहा था, तो विद्वानों ने कहा कि अगर इस ज के नीचे हम ये नुक्ता लगा दें तो ये इसका उच्चारण हम ऐसे ही बोलेंगे जैसा कि उर्दू भाषा में बोला जाता है, ये ज नहीं फिर ज बोला जाएगा। तो अब हमने जब जिंदगी को लिखा तो उसमें नुक्ता लगा के उसको जिंदगी सही उच्चारण दे दिया। इसी तरह से जब हमने गजल लिखा तो इसमें उच्चारण दे दिया, और ख्वाब में हमने नुक्ता लगा के इसमें उच्चारण दे दिया। तो ये जो हमारे पांच वर्ण बने क ख ग ज और फ, ये पांच ध्वनियां ऐसी हैं जो उर्दू भाषा में, जब कुछ शब्द हम उर्दू भाषा के शब्दों को देवनागरी में लिखते हैं तो उनमें झनकार की ज़रूरत होती है, तो उन शब्दों के साथ हम इस नुक्ता को लिखने लगे। तो जब भी कभी आपको नुक्ता लिखा हुआ कोई शब्द दिखेगा, पहले तो ये पता चल जाएगा कि वो उर्दू भाषा का है, दूसरा आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो ध्वनि है वो हमारी नवनिर्मित ध्वनि है। तो नवनिर्मित का मतलब क्या है? आवश्यकता के अनुसार हमने जिसे निर्मित किया है। विदेश से आगत ध्वनि का मतलब क्या है? विदेशी भाषा का प्रभाव जब हमारे देश पर पड़ा तो यहाँ पर हमें जो ये जो प्रभाव पड़ा तो तब हमने उस ध्वनि को ग्रहण किया है। ग्रहित का मतलब ग्रहण करना, ठीक है। अब हमने इसको कहा आगत व्यंजन,
क्योंकि हमने ये व्यंजन के ऊपर ध्वनि लगाई है। तो व्यंजन के ऊपर जब ये ध्वनि बनाई तो कुछ लोगों ने इसको आगत व्यंजन नाम दे दिया। तो अब आपकी परीक्षा में कोई भी पॉइंट आए, किसी से भी आए, तो आपको बात समझ में आ गई कि नव निर्मित का क्या है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि तभी आपको आंसर देना है जब उस वर्ण के नीचे नुक्ता लगा हो। अगर नुक्ता नहीं लगा है तो फिर कोई वर्ण हमारा नव निर्मित में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी के बाद आगे चीजें बढ़ती रही, समय बदलता रहा और मुगलों के बाद अंग्रेज आ गए, भाषा परिवर्तन फिर से हुआ। और जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेज भी अपने शब्दों का प्रयोग करने लगे और अंग्रेजों के शब्दों को धीरे धीरे हम भी बोलने लगे। तो वही जब दूसरे लोग आते हैं तो दूसरे लोगों का प्रभाव, बचपन से शुरू से ही हमारे देश में अंग्रेजी का प्रभाव बहुत तेजी से रहा। अच्छा देखो, कहते हैं कि अगर देखा जाए कि मुगल आए थे तो मुगलों ने यहाँ पे राज किया और यहाँ पे अपने आप को बसा लिया, यहाँ पे सारी चीज़ों को परिवर्तित कर दिया। अंग्रेजों ने यहाँ से चीज़ों को नष्ट करना शुरू कर दिया। जो अंग्रेजों ने किया, उन्होंने अपनी चीज़ों को इस तरह से बनाया, हालांकि नष्ट तो मुगलों ने भी किया, खैर वो बात अलग है। हम बात करते हैं अपनी हिंदी पर ही, तो प्रभाव हिंदी पर क्या पड़ा? जब अंग्रेजी के कुछ शब्द हमारी भाषा में बोले जाने लगे तो हमें उन्हें देवनागरी में लिखना था। तो जैसे शब्द है डॉक्टर, हमें डॉक्टर शब्द लिखना था, तो हमने लिखा, कोशिश करी डॉक्टर, तो ड आ बनाया हमने, तो ये क्या हो गया, ये डॉक्टर हो गया। तो हमें लगा कि आ नहीं, फिर इसके बाद कौन सा स्वर हम लगाएं जो इसके साथ हो, तो हमने ओ लगाने की कोशिश करी तो ये डॉक्टर हो गया। फिर हमने औ लगाने की कोशिश करी तो डॉक्टर हो गया। मतलब इसका सही उच्चारण हमारे 13 में से किसी स्वर के साथ नहीं आ रहा था। तो हमारे विद्वानों ने मिलकर फिर इस पे एक चीज दी कि यदि आ के ऊपर हम अर्ध चांद लगा दें तो इसका उच्चारण हम वही लेंगे जो अंग्रेजी में होता है। और हमने शब्दों को लिखना शुरू कर दिया, डॉक्टर, कॉफी, डॉग, जॉन, कॉलेज, इस तरह के जितने भी शब्द थे अब हम इनको लिखते हैं। और ये जो अर्ध चांद हमारा आया, अ यानी स्वर था हमारा, इस स्वर के ऊपर हमने ये लगा दिया तो ये हमारा एक नया स्वर हमने निर्मित कर लिया। हमारे पास स्वर पहले से ही था, बस हमने एक ध्वनि को निर्माण किया। इसे हम अंग्रेजी ध्वनि कह सकते हैं, आगत स्वर कह सकते हैं। ये स्वर के ऊपर था इसलिए हमने इसको आगत स्वर कहा। ठीक है, उदाहरण में आप लिख सकते हो, अच्छा जो पहले था वहां पे आपने वो तीनों शब्द लिखे हैं उसके नीचे, जिंदगी और गजब और ख्वाब, इसमें लिख लो जैसे कॉलेज, जैसे डॉग आदि। अब ध्यान रखना, बहुत सारी किताबों में मैंने ऐसे देखा है, एक किताब में मैंने ऐसे पढ़ा था कि महानुभाव ने इसको एक नया व्यंजन बना के रख रखा था, स्वर कि ये काउंटिंग हम करें, उसमें लिखा हुआ था किताब में, हिंदी की किताब में किसी ने, कि सभी स्वर 11 बताते हैं लेकिन हमारे स्वर 12 होते हैं क्योंकि ये भी होता है। मुझे बहुत तेज हंसी भी आई थी ये चीज़ देख के कि ऐसे लिखते हैं। देखो ये चीज़ मैं यहाँ पर नाम किसी का नहीं लेती, आप लोगों को पता है कि इस समय मैं बहुत ज़्यादा स्टडी पे चल रही हूँ, तो मेरे पास बहुत किताबें हैं, इतनी किताबें हैं व्याकरण की अलग अलग। तो बच्चों की किताब में 7th क्लास की किताब ग्रामर की लिखी हुई है, मतलब व्याकरण की लिखी हुई है किसी ने, तो उसी को मैं देख रही थी। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। जब हम पढ़े जा रहे थे हम तो बच गए, थोड़ा बच गए कि हिंदी आ गई हमको, पर ये देखना चाहती हूँ कि हमारे छात्रों को अभी तक क्या पढ़ाया जा रहा है, लोग कैसे पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मैं किताबों को ही पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। तो उसी किताब में ऐसे दिया हुआ था, तो मैं तब सोच रही थी कि 6th क्लास में 7th क्लास में इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, इसे स्वर कहकर पढ़ाया जाएगा तो बच्चा क्या समझेगा। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा आके मतलब स्टडी करेगा इस लेवल पे आके, या उसको सरकारी जॉब में ही जाना हो तो अलग भी हो सकता है कि वो अपना बिजनेस करे, तो उसका तो कोई मौका ही नहीं लगेगा कॉम्पिटिशन वाली चीज़ों को पढ़ने का। तो स्कूल में जो उसने पढ़ा वही उसका रह जाएगा ज्ञान, उसके बाद तो कुछ मिलेगा ही नहीं उसको। तो ऐसे ऐसे लोगों ने पढ़ा रखा है, बता रखा है कि
कुछ भी, मतलब कुछ भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें एक सही किताब आप देखोगे तो उसमें बहुत अच्छी लिखी हुई हैं। अब सही किताब आप कहेंगे मुझसे, नाम पूछेंगे कि मैम किताब का नाम बता दो, तो मैं, इन्होंने सही बोला है वैसे, क्योंकि हर टॉपिक मैंने देखा है कि हर टॉपिक किसी ने किसी टॉपिक को अच्छे से बताया है, किसी ने किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से बताया है, किसी ने किसी टॉपिक को अलग मतलब ऐसा कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ। मैंने ये सोचा, मुझे कल की क्लास में शायद आप लोगों को मैंने बोला था ना कि मुझे एक ऐसी किताब मिली, मैं एक टीचर का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी और मैंने उनसे सीखा चीज़ों को, बट उन्होंने अपनी किताब में भी सही से नहीं लिखा। और मुझे ऐसा लगा कि पहले मैंने उनकी किताब इसलिए मंगाई क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, तो मुझे लगा कि इनकी किताब आ गई है तो जो मेरे डाउट बचे हुए हैं जिनको मैं सर्च में हूँ तो इन्होंने पक्का अपनी किताब में लिखा होगा। लेकिन जब मैंने उनकी किताब को पढ़ा और देखा, वो कहते हैं मेरी आदत ऐसी है कि एक बार किताब मेरे हाथ में आ गई कोई नई, तो 3 घंटे 4 घंटे कब बीत जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता, मैं पूरी किताब को एकदम से उतनी तेज़ पढ़ जाती हूँ क्योंकि जहाँ जहाँ मुझे डाउट है वही वही पॉइंट मैं खोलती हूँ, बाकी तो सब सही लिखा हुआ है। जहाँ पे सस्पेंस और इस तरह की चीज़ें, वहाँ देखने के बाद मुझे पता चला कि बच्चे कहते हैं कि मैम अच्छी किताब थी इनकी, पर मुझे बहुत निराशा हुई, कोई अच्छी किताब नहीं है। और मुझे इस बात पे भी बड़ा अफसोस हुआ कि अपने नाम पे वो किताब जैसे मार्केट में दे रखी है उन्होंने, बड़ा कहते हैं ना, बड़ा सच में इतना अफसोस कि जो उन्होंने अपने लेक्चर में पढ़ाया था वो भी उन्होंने अपनी उस किताब में जिक्र नहीं किया। सबसे बड़ा अफसोस तो मुझे इस बात का हुआ कि वो प्रत्यय से संबंधित था और प्रत्यय सारी तमाम किताबों में प्रत्यय इस तरह से होता है, और आपने देखा होगा कि मेरी किताब में जो प्रत्यय मिलेगा वो बिल्कुल ही अलग है, एकदम अलग, आपको किसी मार्केट की किताब में नहीं मिलेगा। वो मैंने खुद लिखा था क्योंकि मैंने उसे सीखा, उस पर रिसर्च किया, जाना, और लेक्चर में मैंने एक दो विद्वान हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं उनके लेक्चर को देखते हुए समझते हुए देखा, पर किताबों में कहीं नहीं लिखा। फिर मुझे, मैं बहुत देर तक सोचती रही कि ऐसा क्यों किया होगा इन टीचर ने, तो फिर मुझे समझ में आया कि हर कोई अपनी आजीविका की तरफ देख के चलता है कि जब तक पढ़ाना है, अगर मैं अपना रहस्य सबको बता दूंगी तो फिर मेरी स्पेशल चीज़ें कहाँ होंगी, जितना फेमस नाम है उनका। तो फिर मुझे लगा कि वाह निधि, मैंने अपने आप को शाबाशी दी, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो कि तुम अपनी हर एक नॉलेज को किताबों में लिख रही हो, कम से कम समाज इस बात के लिए याद तो रखेगा। आजीविका कमाना ही नहीं का उद्देश्य है मेरा, मेरा उद्देश्य हिंदी को बस सबको समझाना है। हाँ चलो देखेंगे, अब इसके आगे हम कल करेंगे, ठीक है? आज मैंने अपनी तारीफ खुद ही कर ली। हाँ हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हो आप जितने भी इंग्लिश के वो होंगे शब्द।